नमस्कार दोस्तों दोस्तों रिसेंटली LIC ने एक न्यू पेंशन प्लान लॉन्च किया है जिसका नाम है सरल पेंशन। ये एक तरीके का एन्यूटी प्लान होगा जिसमें आपको एक साथ लमसम अमाउंट पेमेंट करने के बाद लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन मिलेगी। तो आइए जानते हैं क्या है LIC का प्लान। LIC सरल पेंशन प्लान नंबर 862 नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग स्टैंडर्ड इंडिविजुअल इमीडिएट एन्यूटी प्लान। ये एक तरीके का नॉन लिंक प्लान है, इसका शेयर मार्केट से कोई भी लिंक नहीं है और ये एक तरीके का नॉन पार्टिसिपेटिंग प्लान है। बाकी प्लान्स के अंदर जहां LIC आपको बोनस डिक्लेयर करती है हर साल, वो बोनस आपको यहां पे इस प्लान में नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें आपको इमीडिएटली गारंटेड एन्यूटी मिलती है। मिनिमम एज एट एंट्री इसमें 40 ईयर्स लास्ट बर्थडे। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपके 40 ईयर्स कम्प्लीट होने चाहिए। मैक्सिमम एज एट एंट्री इसमें 80 ईयर्स, मैक्सिमम 80 वर्ष के व्यक्ति इस प्लान को ले सकते हैं। मिनिमम परचेज प्राइस डिपेंड करेगी आपकी मिनिमम एन्यूटी अमाउंट पे। मिनिमम एन्यूटी अमाउंट आपको चूज करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी मिनिमम परचेज प्राइस होगी। ये मिनिमम एन्यूटी अमाउंट कितना होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे और मैक्सिमम परचेज प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। इट कम्स विथ 2 एन्यूटी ऑप्शंस। फर्स्ट है सिंगल लाइफ, सेकेंड है ज्वाइंट लाइफ। अगर आप सिंगल अपनी लाइफ पे पेंशन लेना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को कहते हैं सिंगल लाइफ, और अगर आप चाहते हैं कि आप जब तक सर्वाइव करें तब तक आपको पेंशन मिले और आपके बाद आपके स्पाउस को सेम पेंशन मिले तो उसको कहते हैं ज्वाइंट लाइफ ऑप्शन। इन दो ऑप्शन में आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन की एन्यूटी में थोड़ा डिफरेंस होगा। पॉलिसी लेते टाइम जो एन्यूटी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप आगे चेंज नहीं कर पाएंगे कभी भी, तो इसलिए आपको पॉलिसी लेते टाइम अच्छे से सोच विचार करके ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से एक चूज करना पड़ेगा। एन्यूटी मोड्स इसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, किन मोड्स के अंदर आपको LIC की तरफ से पेंशन दी जाएगी। फर्स्ट है मंथली। अगर आप हर मंथ पेंशन लेना चाहते हैं तो आप मंथली चूज कर सकते हैं। सेकेंड है क्वार्टरली। अगर आप 3 मंथ से पेंशन लेना चाहते हैं तो आप क्वार्टरली मोड चूज कर सकते हैं। अगर आप 6 मंथ्स के ड्यूरेशन से पेंशन लेना चाहते हैं तो आप हाफली मोड चूज कर सकते हैं। और फोर्थ है ईयरली। अगर आप साल में एक बार पेंशन लेना चाहते हैं तो आप ईयरली मोड चूज कर सकते हैं। मिनिमम एन्यूटी अमाउंट कितना होगा, जो हमने पहले बात की थी, मिनिमम परचेज प्राइस आपकी मिनिमम एन्यूटी अमाउंट पर डिपेंड करेगी। अगर आप मंथली पेंशन चूज करते हैं तो मिनिमम आपकी पेंशन 1000 रुपीज होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपकी परचेज प्राइस डिसाइड होगी। अगर आप क्वार्टरली मोड से पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 3000 पेंशन लेनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी परचेज प्राइस डिसाइड होगी। अगर आप हाफली मोड चूज करते हैं तो मिनिमम आपको 6000 पेंशन लेनी पड़ेगी, और अगर आप ईयरली मोड चूज करते हैं तो मिनिमम आपको 12000 पेंशन लेनी पड़ेगी। तो इन मिनिमम पेंशन अमाउंट से आपकी मिनिमम परचेज प्राइस डिसाइड होती है कि आपको मिनिमम परचेज प्राइस आपकी कितनी होगी। ये पेंशन डिपेंड करेगी आपकी एज के अकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो आइए अब हम देखते हैं एन्यूटी ऑप्शंस। ऑप्शन 1 हमें जो मिलता है वो है सिंगल लाइफ। सिंगल लाइफ में सर्वाइवल बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जब तक आप सर्वाइव करेंगे तब तक आपको लाइफ टाइम गारंटेड पेंशन दी जाएगी, जो भी आपने मोड चूज किया है इस मोड के अकॉर्डिंग। और इन केस ऑफ डेथ जो भी आपके नॉमिनी और लीगल वारिस होंगे उनको 100% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। जैसे सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए सरल पेंशन में इन्वेस्ट किए थे तो आपके नॉमिनी या फिर जो भी लीगल वारिस है उनको 10 लाख वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। इसमें आपकी पेंशन का डिडक्शन नहीं होगा जो भी आपने पेंशन ली। और ऑप्शन 2 हमें मिलता है वो है ज्वाइंट लाइफ। ज्वाइंट लाइफ में आप ओनली स्पाउस को ही ऐड कर सकते हैं। अगर ये पॉलिसी हस्बैंड के नाम पे ली जा रही है तो वाइफ को ऐड कर सकते हैं, और अगर वाइफ के नाम पे ली जा रही है तो हस्बैंड को ऐड कर सकते हैं। इस पॉलिसी में ज्वाइंट लाइफ में हम बच्चों या फिर ग्रैंड चिल्ड्रन को ऐड नहीं कर सकते हैं, ओनली स्पाउस को ऐड कर सकते हैं। तो इसमें हमें सर्वाइवल बेनिफिट क्या मिलेगा, जब तक फर्स्ट लाइफ सर्वाइव करेंगे तब उन्हें गारंटेड जो भी मोड के अकॉर्डिंग पेंशन है वो पेंशन दी जाएगी। और इन केस ऑफ डेथ जो भी आपको पेंशन मिल रही थी वही सेम पेंशन अमाउंट आपके सेकंड लाइफ को दिया जाएगा, जो आपकी स्पाउस होगी उनको दिया जाएगा। और स्पाउस के ना रहने के बाद जो भी नॉमिनी या फिर जो भी आपके लीगल वारिस होंगे उनको 100% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ में। सिंगल लाइफ में जो आपको पेंशन दी जा रही है वो पेंशन आपको अकेले को मिलेगी, और इन केस ऑफ डेथ 100% पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और ज्वाइंट लाइफ के अंदर जो पेंशन आपको दी जा रही है वही सेम पेंशन आपके स्पाउस को भी दी जाएगी, और जब वो नहीं रहेंगे तो उनके नॉमिनी या फिर जो भी लीगल वारिस होंगे उनको 100% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। अदर बेनिफिट्स इस प्लान के क्या है, आप चाहें तो आफ्टर 6 मंथ इसको सरेंडर भी कर सकते हैं। सरेंडर के लिए यहाँ पे एक कंडीशन है। इस पॉलिसी में सरेंडर तभी अलाउ किया जाएगा जब मेन लाइफ एश्योर्ड या फिर उनके स्पाउस या फिर उनके बच्चे अगर क्रिटिकल इलनेस से पीड़ित है तो इस केस में उनको 95% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा, और अगर उनके पहले कोई लोन या फिर इंटरेस्ट ड्यू होगा तो वो उसमें से लेस कर दिया जाएगा। सेकंड बेनिफिट इसमें आपको मिलता है लोन का। लोन भी आप 6 मंथ बाद ले सकते हैं, लेकिन लोन के अंदर आपका जो भी एनुअल इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता एनुअल पेंशन से।
थर्ड बेनिफिट है, इसमें कोई भी आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करनी पड़ेगी, चाहे आपकी एज कितनी भी हो, इस पॉलिसी में आपका मेडिकल नहीं होगा। तो आइए अब समझते हैं इस प्लान को विद एग्जांपल। सबसे पहले हम एग्जांपल 1 लेते हैं सिंगल लाइफ पे, जिसमें हमने एक्स नाम के पर्सन की एज ली है 41 इयर्स। अगर वो 10 लाख रुपए इस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इस पॉलिसी का टर्म 100 इयर्स तक रहता है, तो हमारा जो पॉलिसी टर्म होगा वो होगा 59 इयर्स। एन्यूटी टाइप कौन सा है इसमें? ऑप्शन 1 हमने चूज किया है, इमीडिएट एन्यूटी फॉर सिंगल लाइफ विद रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। तो टोटल प्रीमियम अगर आप 10 लाख डिपॉजिट करते हैं, तो इसके साथ आपको 1.8% जीएसटी अलग से पे करना पड़ता है। तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट इसमें होगा 10,18,000। तो आपकी एज के अकॉर्डिंग आपको जो पेंशन मिलेगी वो मिलेगी। ईयरली पेंशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 50,650। हाफ अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी 24,950। अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो मिलेगी 12,363। और अगर आप मंथली पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको मिलेंगे 4,092 रुपीस। तो ये हमारी मोड्स के अकॉर्डिंग 10 लाख पे पेंशन रहेगी, जिसमें आपका मेन एज फैक्टर काम आएगा। 41 इयर्स की एज पे आपकी ये इतनी इंटरेस्ट रेट मिलेगी। आगे हम एक और एग्जांपल लेंगे, जिसमें हम थोड़ी ज़्यादा एज लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे कि एज का पेंशन पे कितना इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर ये एक्स नाम के पर्सन अगर 100 इयर्स तक सर्वाइव करते हैं, तो लास्ट इनको 100 ईयर की एज पे 10 लाख वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और सपोज अगर बीच में इनके कुछ भी हो गया, तो इनके नॉमिनी को जो इनकी परचेज प्राइस थी 10 लाख रुपए, वो वापस रिफंड कर दी जाएगी। इन केस ऑफ डेथ की हम कैलकुलेशंस देखते हैं। हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो 41 इयर्स के पर्सन थे, उनकी डेथ अगर 14 इयर्स बाद होती है 65 की एज पे, तो 14 इयर्स में जो उन्होंने ईयरली पेंशन ली थी LIC से, वो ली थी 50,650। तो जब इसको हम 14 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 7,09,100 रुपीस। तो ये 14 इयर्स में टोटल LIC से इनको ये पेंशन मिली है। और अब अगर इनकी नेचुरल डेथ हुई है, तो उस केस में इनकी फैमिली को 10 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। और सपोज अगर इनकी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो इस केस में भी उनको सेम अमाउंट ही 10 लाख मिलेगा। यहाँ पे डबल एक्सीडेंट बेनिफिट नहीं मिलेगा इनको। तो डेथ चाहे नेचुरल हो या एक्सीडेंटल हो, आपको 100% ऑफ परचेज प्राइस दे दिया जाएगा। तो टोटल अगर हम देखें कि अगर उन्होंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, तो वापस उनको टोटल रिटर्न कितना मिला, तो टोटल रिटर्न इनको मिला इस पॉलिसी पे 17,09,100 रुपीस। क्योंकि 7,09,100 रुपीस उनको 14 इयर्स में सर्वाइवल बेनिफिट मिला, और जब वो नहीं रहे तो उनकी फैमिली को 10 लाख रुपए LIC की तरफ से वापस दे दिए गए। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल 2, जो है जॉइंट लाइफ पे। यहाँ हमने सेम एज ली है 41 इयर्स की, और सम एश्योर्ड भी हमने लिया है 10 लाख, और यहाँ जॉइंट लाइफ की जो एज ली है वो ली है 40 इयर्स। तो जॉइंट लाइफ में जो आपको एन्यूटी मिलेगी, वो बेसिकली दोनों की एज पर डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन 2 हमने लिया है, इमीडिएट एन्यूटी फॉर जॉइंट लाइफ विद 100% ऑफ एन्यूटी अमाउंट। तो इसमें टोटल प्रीमियम सेम 10,18,000 हमें पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मोड के अकॉर्डिंग जो पेंशन आएगी वो होगी, ईयरली अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपको मिलेंगे 50,450। अगर आप हाफ पेंशन चूज करते हैं तो आपको मिलेंगे 24,850। तो अगर आप क्वार्टरली पेंशन चूज करते हैं तो आपको मिलेंगे 12,313। और अगर आप मंथली पेंशन चूज करते हैं तो आपको मिलेंगे 4,083। तो ये जॉइंट लाइफ के अंदर आपको एन्यूटी दी जाएगी। तो ये मेन डिफरेंस है सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ के अंदर। इसमें आपको थोड़ी सी कम पेंशन मिलेगी, क्योंकि इनके ना रहते हुए ये सेम पेंशन इनके स्पाउस को दी जाएगी। तो अगर ये 100 इयर्स तक सर्वाइव करते हैं, तो इनको लास्ट में 10 लाख रुपए वापस रिफंड कर दिए जाएंगे। और सपोज बीच में अगर ये सर्वाइव नहीं कर पाए, तो उस केस में स्पाउस को सेम पेंशन मिलेगी। तो इन केस ऑफ डेथ ऑफ फर्स्ट लाइफ, यहाँ हमने सेम 14 इयर्स का एग्जांपल लिया है। 14 इयर्स बाद अगर इन कस्टमर की डेथ होती है 65 की एज पे, तो इसके अकॉर्डिंग LIC ने इनको 14 इयर्स में टोटल पेंशन दी, वो दी 7,06,300। और अब उनकी डेथ के बाद उनके स्पाउस को भी यही सेम पेंशन 50,450, आगे जब तक वो सर्वाइव करेंगे तब तक उन्हें सेम पेंशन दी जाएगी। और सपोज फ्यूचर में अगर इनके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, तो उस केस में उनके जो भी नॉमिनी या फिर जो भी लीगल वारिस होंगे, तो उनको डेथ क्लेम अमाउंट 10 लाख वापस रिफंड कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे परचेज प्राइस 10 लाख थी। तो आइए अब हम देखते हैं एग्जांपल 3। इस एग्जांपल में आपको डिटेल कंपैरिजन मिलेगा सिंगल लाइफ और जॉइंट लाइफ की एन्यूटीज में। तो अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, और अगर आप कहीं अपने रिटायरमेंट फंड को इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, तो ये एग्जांपल आपके लिए ही है। एज हमने लिया है 61 इयर्स, सम एश्योर्ड हमने सेम 10 लाख का लिया है, और जॉइंट लाइफ की एज हमने ली है 59 इयर्स। तो टोटल प्रीमियम हमें पे करना पड़ेगा 10,18,000। तो सिंगल लाइफ पेंशन अगर आप चूज करते हैं, तो उस केस में आपकी जो भी मोड के अकॉर्डिंग पेंशन होगी वो होगी ये। और अगर आप जॉइंट लाइफ पेंशन चूज करते हैं, तो उस केस में आपकी मोड्स के अकॉर्डिंग पेंशन होगी ये।
तो अब आप अच्छे से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों की प्रीमियम में कितना वेरिएशन है। तो आपकी नीड और इस पेंशन के अकॉर्डिंग अब आप अच्छे से डिसाइड कर पाएंगे कि आपको सिंगल लाइफ पेंशन चूज करना चाहिए या ज्वाइंट लाइफ पेंशन। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्लान अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इस प्लान में कुछ भी डाउट हो या फिर आपको अपनी एज पे प्रीमियम पता करनी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन्हें भी इस LIC के बेहतरीन प्लान के बारे में पता चले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं LIC से रिलेटेड यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और प्लान की नॉलेज देता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।